बोरियो से जेएमएम विधायक लोपिन हेम्ब्रम पाकुड़ पहुंचे, जहां उन्होंने तेजस्विनी परियोजना से जुड़े जिले के सैकड़ों तेजस्विनी कर्मियों से मुलाकात की। इस दौरान कर्मियों ने अपनी समस्या सुनाई। आपको बता दें कि जिले भर में कुल 410 तेजस्विनी कर्मी हैं और इनकी सेवा समाप्त करने की बात कही जा रही है, जिसे लेकर कर्मियों ने लोपिन हेम्ब्रम से न्याय की गुहार लगाई। सर से कहना है कि हमारे यहाँ जो इतनी बड़ी कठिनाई आ रही है, इतना दिनों से हम सभी के दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि हमारे तेजस्विनी बंद क्यों हो रही है, हमको कोई रीज़न नहीं बता रहे हैं। और यहाँ के हमारे जो कर्मी हैं वो 10,000 हैं, महिलाएं सिर्फ है, और ऊपर से वो 2300 रुपया में हम लोग काम कर रहे हैं गाँव गाँव हर घर में, मगर अभी तक हम लोग को पता नहीं चल रहा है। इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से आवाज़ उठाना चाह रहे हैं कि हमारे मतलब रोज़गार का क्या होगा, हम बाहर जाएंगे अपना झारखंड छोड़ के कमाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब ग्रेजुएट है और हम मतलब है कि हमारे यहाँ जो इतने से लड़कियाँ है बच्चियाँ सब जो सेतु शिक्षा से जुड़ी हुई है और है जीवन कौशल से, उन लोग को अभी पिछड़ा जा रहा है, उन लोग का भविष्य के बात है, क्योंकि हम लोग एक छोटा सा तिल से इजाला किए हैं और वो अभी अंधकार में आ रहे हैं। अचानक प्रोग्राम मेरा पाकुड़ की तरफ बना है, कुछ एक जगह में प्रोग्राम भी था, तो चलते चलते हमें सर्किट ऐसा आए और यहाँ पर जितना अभी तेजस्विनी परियोजना कार्यरत है महिलाएं सब, तो ये लोग जानते थे कि अभी आने वाले हैं, वो इंतजार में बैठी थी, तो सारा टुकड़ा उन लोगों ने सुनाया है। और 2019 से इन लोगों का काम चल रहा है और जो भी वेतन मिलता हो उससे लोग खुश हैं। बट अभी इन लोगों को अभी पता चला है कि अब हम लोगों को हो सकता है ये आपके जुलाई के लास्ट तक पे बैठा दिया जाएगा, तो वही दुखड़ा सुनाने आई थी। मैंने अभी तुरंत इन लोगों के सामने माननीय मंत्री जी जोबा मैडम से भी हमने बात किया और उन्होंने कहा कि नहीं, इस बीच बीच में अवधि विस्तार होता है, लेकिन अभी बंद होने का ऐसा कोई नहीं है, लेकिन इन लोगों को जो अभी पता चल रहा है कि नहीं शायद बंद होने के कगार में है, इसलिए बहुत चिंतित है, लोग बहुत दुखी है। और वही दुखड़ा सुनाई और मंत्री से हमने पूछा तो बोला कि नहीं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बंद कर देता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो फिर हमने कहा कि ये तो वर्ल्ड बैंक से भी तुम लेते हो तो लोन टाइप का है, तो जब इन लोगों को जो बहाली हो रहा था जिस समय उसमें इन लोगों को जानकारी दे देना चाहिए कि भाई इतना साल के लिए है, इतना साल के बाद फिर बंद हो जाएगा, तो फिर इन लोगों के लाइफ के साथ एक तरह से खिलवाड़ हो जाएगा अगर बंद। कम्प्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE NEET की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, Olympiads, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स, टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कम्प्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंकवेट हॉल, डिप्टी बाईपास रोड, रांची। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम, झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम, वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और कुछ उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि उठा लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।